बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन नहीं चाहती कि उनकी जिंदगी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री मोस्टली सनी भारत में रिलीज हो। सनी का कहना है कि डॉक्यूमेंट्री में उनकी कहानी से न्याय नहीं किया गया है, इसमें बहुत कम ही ऐसी चीजें हैं जो उनके जीवन से मिलती हैं, ज्यादातर बातें मनगढ़ंत हैं और किसी और ने अपने विचार इसमें थोपे हैं। मोस्टली सनी डॉक्यूमेंट्री में एक रूढ़िवादी सिख परिवार की लड़की की कहानी है जो लॉस एंजलिस में जाने के बाद व्यस्क फिल्मों की बड़ी स्टार बन जाती है। इस कहानी पर सनी का कहना है कि इस कहानी में किसी ने अपने विचार डाल दिए हैं। साथ ही सनी ने यह भी कहा कि किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह आपकी कहानी बताए, ये मेरी बायोपिक नहीं है, इससे छेड़छाड़ की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन दिलीप मेहता ने किया है। हाल ही में इसका प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म में हुआ है। लियोन इस कार्यक्रम में भी नहीं पहुंची थी। दिलीप मेहता ने बयान दिया है कि वह हैरान है कि सनी इस टोरंटो प्रीमियर में क्यों नहीं आई। मेहता ने कहा है कि सनी डॉक्यूमेंट्री में कुछ बदलाव चाहती हैं। तो सनी लियोन अपनी बायोपिक से काफी खफा नजर आ रही हैं, लेकिन देखना होगा कि दर्शकों को उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म कितनी पसंद आती है। देखते रहिए टीवी लाइव।